हाय एवरीवन, मैं हूं मीरा महाजन। आज मैं आपको बताऊंगी 23 से 29 सितंबर के ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के लिए क्या सौगात लेकर आया है, जिसे जानकर अपने हफ्ते की पहले से ही प्लानिंग कर ले किस दिन परेशानी से बचना है और किस दिन मुनाफे की तरफ कदम बढ़ाने हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। इस हफ्ते तो आप अपनी सेविंग्स बढ़ा पाएंगे या मनी की टाइटनेस कम होगी, कहीं से कुछ धन भी मिल सकता है। परिवार की चलती समस्या का हल निकलेगा, फैमिली या फैमिली मेंबर की ग्रोथ के हैं आसार, आपसी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी। काम में पूरी तरह से जुट जाएंगे आप, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे टू मटेरियलाइज योर डिजायर्स एंड इमेजिनेशन, और पड़ोसी से खास करें कहा सुनी अवॉइड इस हफ्ते। आप टॉरस यानी वृषभ राशि, दिस वीक यू विल शो विजडम इन एवरी सिचुएशन। कुछ एजेंडाज में आपको पूरा जिम्मा सौंप दिया जा सकता है। जीवन साथी का सहयोग करेंगे अपनी तरफ से, उसकी प्रमोशन के हैं आसार जिस भी फील्ड में है वो, लेकिन परिवार में मतभेद हो सकते हैं। किसी का कोई एक्शन या बात गुस्सा दिला सकता है, ट्राई नॉट टू लूज योर कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। पढ़ाई या प्रोफेशन में अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं, एज आपके मोटिव्स की राह में कुछ बाधाएं आ सकती हैं इस हफ्ते। जेमिनी यानी मिथुन राशि, विदेश जा सकते हैं या वीजा पासपोर्ट को मिलेगा अप्रूवल दिस वीक। खर्चों में इस हफ्ते होगी बढ़ोतरी, could spend much more on yourself, your dear ones and for charity too. किसी बंदिश को तोड़ सकते हैं, restriction से बाहर निकल पाएंगे आप। अपनी looks and fitness को लेकर होंगे conscious, can plan fitness routine. परिवार में, काम में या social circle में आपकी समझी जाए, मानी जाए, इसकी होगी आप पर धुन सवार। लगाएंगे अपना पूरा जोर, बस ध्यान दे जिद से रिश्ते खराब ना होने दे, और खास हेडेक से बचे, अवॉइड ऑल ट्रिगर्स दिस वीक। कैंसर यानी कर्क राशि, ड्यू पेमेंट्स प्रॉफिट्स एंड गेन्स लेकर आया है ये सप्ताह। इनकम बढ़ेगी या बढ़ाने का रास्ता दिखेगा, लेकिन किसी प्रकार के लॉस से, चलान से, परेशानी से भी बचना है, रोड रेज से भी बचे। डोंट बी इंपल्सिव एंड एग्रेसिव, अपने मन पर कंट्रोल रखें, बी सॉफ्ट एंड हैव पेशेंस। कोई परचेज रिटर्न कर सकते हैं आप या कोई चीज खराब हो सकती है, दे ध्यान। लियो यानी सिंह राशि, अटकी डील्स मटेरियलाइज हो सकती हैं, कोशिश जरूर करें। काम में नई ऑप्शंस क्लिक करेंगी, तरक्की की राह दिखेगी, दफ्तर के माहौल में एडजस्टमेंट मिलेगी, लेकिन पेमेंट्स या धन लाभ को लेकर डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अपने अकाउंट्स की क्लैरिटी एंड श्योरिटी रखें। प्रेमी संग संबंधों में गुस्सा ना दिखाएं, प्यार से रखें अपनी बात, तो ही संबंधों में मिठास रहेगी और आपकी बात भी तभी समझी जाएगी, नहीं तो झेलनी पड़ेगी नाराजगी। वर्गो यानी कन्या राशि, लीगल मैटर्स में आपका पलड़ा भारी होगा। मंडे को किस्मत फल स्वरूप कुछ काम या बात बनेगी, या परेशानी जो चल रही थी वो कम होगी। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी कार्य क्षमता बढ़ानी होगी, एज वर्क लोड तब बढ़ सकता है। कोलीग्स की कोऑपरेशन मिलना आसान नहीं होगा, वीकेंड तक अवेटेड पैसे मिल सकते हैं। घर की जिम्मेदारी काफी निभानी पड़ेगी आपको, जो भी करे बर्डन समझकर नहीं अपना फर्ज समझ के, तभी मन से खुश रह पाएंगे आप। लिब्रा यानी तुला राशि, चलती मुश्किलों में थोड़ा रिलीफ आएगा, निकलेगा हल। लक विल फेवर योर एफर्ट्स, सो अपने एफर्ट्स को सही दिशा में करें और उनमें कमी ना छोड़े। पिता से शायद मेल ना खाया आपके विचार, सो बी रेडी विद रीजनिंग्स एंड लॉजिक्स ताकि उनका अप्रूवल मिल पाए। किसी हक के लिए कानूनी तरीका अपनाना पड़ सकता है, या चल रहा है कोई केस तो वो फ्लेयर अप हो सकता है, एंटिसिपेट करके ही चलें आगे आप। एंड स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन बर्डनसम लगेगी, जरूरत है टाइम मैनेजमेंट की।
स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, जीवन साथी की बात और राय इस हफ्ते बैठेगी सही, उसका साथ आपको मिलेगा और उसकी अपनी फील्ड में ग्रोथ होगी। व्यवसायिक कंपटीशन में आपकी पहचान बनने के हैं आसार। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आर नॉट गोइंग टू बी इजी डेज। अपने हिसाब से चीजें करना चाहेंगे आप, बट आएंगी कुछ ऑब्स्टेकल्स। चोट से, शारीरिक कष्ट से भी रखे बचाव। साथ ही आर्ग्यूमेंट्स में ना फंसे, अपने काम से काम रखें और धोखा ना खाएं। बी अलर्ट एंड अवेयर। सैगिटेरियस यानी धनु राशि, कर्ज की सिचुएशन में सुधार आएगा। अप्लाई किया हुआ है लोन तो सैंक्शन होगा या क्रेडिट पे कोई चीज ले भी सकते हैं। लोन प्रोसीडिंग्स बढ़ेंगी आगे। राय ये है, जो भी करें अपनी रिटर्न एंड इनकम के हिसाब से ही फैसला लें ताकि बाद में परेशानी ना आए। जीवन साथी को किसी कष्ट से करना है सतर्क। संबंधों में भी कहा सुनी हो सकती है, उस संग या ससुराल में दे ध्यान। बिजनेस पार्टनर की कोई बात गुस्सा दिला सकती है, सो पहले से ही अपने ओपिनियंस उसको बता दें आप। और काम के बढ़ते कंपटीशन में आगे निकलने के लिए काफी मेहनत की जरूरत है, सो बी रेडी टू वर्क हार्ड दिस वीक। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, प्रेम संबंध और प्रेमी के लिए बेनिफिशियल है टाइम। आपके स्किल्स भी होंगे इंप्रूव और की गई मेहनत के चलते अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं मंडे को। लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। कुछ भी अचीव करने के लिए मोर देन नॉर्मल टाइम लगेगा। किसी चलती लिटिगेशन में दिक्कत आ सकती है, बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। धन के लेन देन में भी डिस्प्यूट से बचें एंड कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम थेफ्ट टू। साथ ही खुद का पूरा ख्याल रखें एज फिजिकल वीकनेस और फिजिकल पेन में बॉटल यू। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, जीवन में कोई खुशी होगी प्राप्त इस हफ्ते। कोई काम भी आपके एफर्ट से बन सकता है। पढ़ाई में करेंगे अच्छा परफॉर्म। सेल्फ ग्रोथ के हैं आसार। प्रेमी संग किसी बात को लेकर फाइट फ्लेयर अप हो सकती है। ट्राई एंड अवॉइड एनी डिस्कशन ऑन ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यूज दिस वीक। और अगर कोई डिस्कशन करना भी पड़े तो ध्यान दे वो रुसवाई की तरफ ना खिंच जाए। इन्वेस्टमेंट्स में इम्पल्सिवनेस नहीं दिखाएं। थिंक ट्वाइस बिफोर गोइंग अहेड। और बच्चों को अधिक खास ख्याल। संतान कष्ट से बचें या फिर उनकी डिमांड्स आपको या जिद आपको इस हफ्ते पूरी करनी पड़ सकती है। पाइसिस यानी मीन राशि, फ्रेंड की हेल्प से होगा आपको फायदा। उसके सुझाव को इग्नोर ना करें। ट्रैवल प्लान बन सकते हैं या जाना होगा आउट ऑफ टाउन दिस वीक। घर पर रिपेयर वर्क करवाना पड़ेगा, कोई चीज खराब हो सकती है, दे ध्यान। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और डिले से बचे, बी प्रिपेयर्ड। माँ की हेल्थ का देना खास ख्याल ताकि कोई दिक्कत ना आए और उन संग संबंधों में डिफरेंसेस भी अवॉइड करें। काम में अपने मनपसंद कार्यों को देंगे प्रायोरिटी और वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ सकता है दिस वीक। तो चलिए, ये तो आपने जाना कहाँ लाभ है कहाँ परेशानी से बचना है ताकि अपने लिए इस हफ्ते को बना ले बेनिफिशियल। यही है मेरी कोशिश।